पटियाला कमीज तो लेंथ है हमारा 39 तो इधर जो बॉर्डर पहले से किया हुआ है तो 39 के साथ हाफ इंच ऐड करेंगे कंधे की सिलाई के लिए तो हो गया मेरा 39 एंड हाफ ये हो गया 39 एंड हाफ शोल्डर 15 है तो इसका हम करेंगे 7 एंड हाफ मतलब 7.5 ये हो गया आर्म को लेंगे 6 और इधर से फिर से शोल्डर नापेंगे 7.5 और इधर हम 12.5 ले रहे हैं क्योंकि साइज बड़ा बनाएंगे अब इधर नेचुरल वेस्ट हमारा है 40.5 इधर भी 14.5 ये है नेचुरल वेस्ट मतलब कमर का पोर्शन जो ऐसे सेप देगा पार्ट तो इधर हम बस लाइन क्या है 12.5 तो इधर हम लेंगे 11.5 ऐसे आर्म होल का ऐड करेंगे ये हो गया फिर हम बस्ट लाइन ऐड करेंगे ये हो गया अब बस्ट लाइन के साथ हम नेचुरल वेस्ट मतलब कमर को ऐड करेंगे इधर से आप ये नाप लेंगे ये आप जितना चौड़ाई रख सकते हैं उतना ही ले सकते हैं फ्लेयर हम ले रहे हैं बॉर्डर यहाँ पर खत्म हो गया लेकिन फिर भी हम फ्लेयर 14 ले रहे हैं से 14 तक ऐसे हम ऐड करेंगे ऐसे शोल्डर पे 1/2 इंच का शेप देंगे और नेक लाइन करेंगे 3.25 इंच 3.25 इंच मतलब 3 इंच से थोड़ा कम इससे नेक लाइन बहुत अच्छी तरह से बैठते हैं अब इधर हम शेप लगाएंगे एक दूसरा भी शेप लगाएंगे ये हो गया और रहे हैं कमर का शेप दे रहे हैं ये हो गया कमर का शेप जोड़ रहे हैं पेंट कर रही हूँ तो पीछे का नेक लाइन पे हम पहले शोल्डर की तरफ नेक लेंगे 3.25 इंच ये मैंने बताया 3.25 इंच बहुत अच्छी तरह से सेट होता है चाहे वो हेल्दी हो या वो स्लिम हो और इसका डीपनेस में 7 ले रही हूँ फिर इसको ऐसे गोल कर रही हूँ सेप तो मैंने पहले ले चुकी अब मैं इसको काट रही हूँ पीछे का पोर्शन फ्रंट की साइड पे एक एसिमेट्रिक डिजाइन का नेकलाइन बना रही हूँ इसके लिए मैंने तो पहले ही नेकलाइन ले लिया 3.25 इंच अब इधर भी 3.25 इंच मीडियम से 3.25 इंच तक ये हो गया मेरा अब इस तरफ हम ले रहे हैं इस तरफ हम ले रहे हैं 2.5 इंच सिलेंडर पे 3 इंच मतलब इंच को ऐसे जोड़ रहे हैं फिर मिडिल में ले रहे हैं 6 इंच मतलब डीपनेस नेकलाइन का 6 इंच
आप इस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं चेंज, फिर इसको कर रहे हैं ऐसे, ये हो गया चेंज का, ये हो गया चेंज का डिफरेंस, इधर हो गया 3 इंच का, ये हो गया 3 इंच का करेंगे। तीन इंच से चेंज तक इसको ऐड करेंगे ऐसे, फिर मेरा एक्चुअल नेक लाइन ये रहेगा। हाँ मैं इसको काट रही हूँ, फ्रंट का नेक लाइन एसिमेट्रिक कट, ये फ्रंट का साइड है, ये नेक लाइन है एसिमेट्रिक कट का, इधर है शॉर्ट इधर लॉन्ग। बैक पार्ट, बैक पार्ट का नेक लाइन है डीप राउंड कट, यू कट, ये नेक लाइन है यू कट। जी 5 इंच के साथ 1.5 इंची ऐड किया है तो हो गया 6.5 इंची, तो मेरा 5 इंच का स्लीव उसके साथ 1.5 इंच ऐड तो हो गया 6.5। तो ऐसे मैंने 6.5 फोर फोल्ड कर लिया कपड़ा, फैब्रिक को फोर फोल्ड करके 6.5 बना रही हूँ। ऐसे मैं 11 ले रही हूँ, अब इधर से मैं 3.5 इंच कर रही हूँ, फिर इसको मैं आप वो चेंज था तो 3 लिया उसके साथ 1/2 इंच और ऐड की, ऐड किया तो 3.5 इंच, फिर इसको ऐसे ऐड कर रही हूँ, इसको भी ऐसे 54 हम सेव दे रहे हैं। ये हो गया मेरा स्लीव, शॉर्ट स्लीव, अब मैं इसको काटूंगी। इसको मैं सेव दे रहा हूँ, पट्टी काट रही हूँ, इसको मैंने डबल लिया हुआ है ऐसे, ये कटा भी हो सकता है या जॉइन किया हुआ भी हो सकता है, ऐसे मैंने ले लिया और मैं इसको ऐसे थोड़ा रख के, अगर कटा हुआ होता है तो थोड़ा रख रख लेती हूँ 1/2 इंच, अगर कटा हुआ नहीं तो एकदम किनारे से करती हूँ, तो फिर ये हो गया मेरा ऐसे ऐसे, इधर 1/2 इंच रख के उसको अब 1.5 इंच पौने 2 इंच जैसा आपको पट्टी चाहिए होगा, मतलब मोटा भी 2 इंच लिया है ताकि फोल्ड करने में आसानी भी रहे। दो तरह की है इसलिए इसको हम एक सिंगल पीस लिया है और इसको हम इसे सीधा करके बिठाएंगे, ठीक है, इसकी दोनों साइड दो तरह की है, तो फिर ऐसे ड्राइंग कर लीजिए। आप इसको हम पट्टी को देंगे कि 1.5 इंच का मतलब है 5.5, तो ये 5.5 ही है, 5.5 ही है, आप 5.5 जैसे 2 इंच 2 इंच
इंच इधर से 2 इंच से काट कर दी। ये हो गया फ्रॉन्ट की नेकलाइन की पट्टी। इसको जोड़ने वाली हूँ, शोल्डर में इधर मैं 1/4 इंच ली और साइड में 1/2 इंच ये मार्क किया हुआ है, ये मैंने मार्क किए, ऐसे शोल्डर जॉइन करूंगी। और इधर बास्ट लाइन मैंने 38 की रखी है, मतलब ये टोटल 19 इंच का, मतलब 19 इंच का मतलब डबल 30 इंच। वेस्ट मैंने रखी है 34 का, मतलब ये 17 का है, ठीक है। और इधर मैंने रखी है 20 इंच, मतलब डबल करके 40 का। यहाँ से वेस्ट से ये स्लीव तक लेंथ है 10 इंच, फिर बाकी हिस्सा स्लीव में जाएगा। वेस्ट से ये 10 इंच बाकी है, इसके आगे के हिस्से पूरा स्लीव में जाएगा। हाँ, मैं इसको जोड़ रही हूँ। पैंट को मैं सेव देने के लिए ये कोने को काट रही हूँ, जस्ट ऐसे ऐसे, ताकि अच्छी से सेट हो। इस तरह से आप चारों तरफ इस तरह से इसको की पट्टी सेट कर रही हूँ पीछे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ नेकलाइन की पट्टी को सेट कर रही हूँ। ये दोनों तरफ का कंधा और दोनों साइड सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। डिजाइनर नेकलाइन ऐसे पट्टी सेट करेंगे, मैं फोल्ड नहीं करूंगी, तो पीछे के हिस्से का डिजाइन लेंगे करेंगे ऐसे। ये हो जाएगा दूसरी तरफ ऐसे स्लिट फोल्ड कर देंगे। ये है स्लीव, शॉर्ट स्लीव। शॉर्ट स्लीव को मैंने 1/4 इंच का मार्क किया हुआ है, इसको भी मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड दे रही है इस तरह से,
ऐसे करके देखूंगी कितना स्लिप में लगेगा, तो इतना सा मेरा स्लिप लगेगा। फिर यह मैंने एक मार्क करेंगे। एक मार्क करने के बाद अब मेरा ये जो स्लिप राउंड है, स्लिप राउंड मैंने ली है 11। 11 का मतलब है 5 1/2, तो 11 का मतलब है 5 1/2, तो मैंने इसे 5 1/2 ऐसे 5 1/2 ली है। अब इसको जोड़ेंगे उल्टे की तरफ इसको हम जोड़ेंगे, इसको ऐसे उल्टा करेंगे फिर जोड़ेंगे, फिर स्लिप को बॉडी से जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये स्लिप है तो ये लेफ्ट हैंड है, तो मैंने इस तरह से लेफ्ट हैंड को इधर जोड़ना है, इसी तरह आपको राइट हैंड को इधर जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से मैं स्लिप को जोड़ूंगी।